तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जम्मू एंड कश्मीर की टॉप 5 बेस्ट मॉडिफाइड बाइक्स। अच्छा आजा आजा, अभी बाद में रोते हैं तेरे साथ, रुक जा। देखो यार मेरा यूट्यूब से भरोसा उठ चुका है, चलो गए आ जा रहे से। तो भाई देखो अभी मुझे ऐसा करण का फोन है, ही टोल्ड मी कि भैया मेरे को चाहिए ब्रेम्बो के लिवर्स। तो मैंने कहा ठीक है मैं पकड़ाता हूँ तेरे को, बट यार इनकी टाइमिंग बड़ी गलत है, और वैसे भी बड़े दिन हो गए थे यार इनसे मिले हुए, जेरी और भी आए हुए हैं तो उन सबसे भी मिलाता हूँ। एंड बहुत स्पेशल चीज़ है एक और जो आपको दिखानी थी, तो वो भी आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आयुष भाई अपने आए होंगे, उन्होंने अपनी RC कराई थी रिसेंट में मॉडिफाई, वो बहुत ज़बरदस्त बनी है, प्रॉपर ब्लैक थीम में है, तो वो चीज़ तो आपको दिखानी ही चाहिए। तो चलो जल्दी से पहुँचते हैं। और ये अपना आईफोन शो ऑफ कर रहा है, पता है आईफोन शो ऑफ कर रहा है। अरे 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 ले जाओ ले जाओ, पूरी बाइक ही ले जाओ। और भैया कैसे हो, ठीक हो? अभी वर्क इन प्रोसेस है, अभी तो बड़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। और ये अपना जरा जरा भैया कैसे हो आप? बाकी नहीं, गर्मी है, गर्मी बड़ी है साली, अग पोई मानी। स्टिकर कहाँ लगाए? हाँ दिए हुए हैं बनाने के लिए, बन गए हुए, लगाने वाला बंदा नहीं आ रहा, वेट कर रहा हूँ उसी का, लग जाएंगे। तो अभी देखता हूँ उसको, करण यहाँ कर इसको। अब मैं कुछ बोलूंगा करण फिर गुस्सा करेगा। मेरे को भी गिफ्ट करो ना, एक ही होता क्या सिलेंडर? एक ही होता है, क्लच हाइड्रोलिक थोड़ी होगा, मुक्का मारूंगा। गाइस ये देखिए, ये आपके मोटो इन्फ्लुएंसर जो बोल रहे हैं क्लच वाली साइड वो हाइड्रोलिक क्यों नहीं है। तो देखो यार मैं तुम्हें एक चीज हमेशा रिकमेंड करता हूँ, दिखा लो कि नहीं मगा क्या, एक बार ट्रिप मार के ऑनेस्ट रिव्यू बताना कि कितनी बुरी हालत की है मैंने बाइक की। क्विक शिफ्टर यूज करना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि पेंट जब भी कराते हो तो आपको हमेशा स्टार्टिंग वाली प्रोसेस से शुरू करना चाहिए, एंड दैट इज सैंडिंग। तो यहाँ पर देखो जो पुराना पेंट है वो इन्होंने प्रॉपरली ऊपर से कहते हैं ना उसको स्क्रैच नहीं किया था, इतना पील ऑफ नहीं किया था कि दूसरा पेंट उसके ऊपर चिपक सके, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और इसके अलावा मुझे मेरे ख्याल से पाउडर कोटिंग होती है पेंट की जगह, पाउडर कोटिंग होती है जो किट जा मेन रोड पर मार के ड्राई, इसके जितना स्मूथ है ही नहीं किसी का क्विक शिफ्टर। जा जा जा, क्या करें करण, हमारी ज़िंदगी इतनी झंड हो चुकी है। अभी कल ही मेरी किसी ने कमेंट किया था नीचे कि भैया लौंडिया नहीं ला रहे आपको अपने वीडियो में। मैंने बोल दिया भाई जेन्युइन सी बात है यार, हम लोग नहीं कर सकते वो चीज़, भैया मोटरसाइकिल इंथूजियास्ट, और हम अपनी बंदियां लेके आ गए, उनके घर वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे भाई मारो सालों को पकड़ के। करण इस चीज़ पे टिप्पणी करना खुला होकर, मेरे को पता तू इतना यूट्यूब पे फ्रैंक नहीं होता, बट आई वांट टू नो क्या चक्कर है। देखो भाई हम नहीं चाहते यहाँ पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो, कंट्रोवर्सीज नहीं, हम बंदियां ला ही नहीं सकते, हम इतना गिर नहीं सकते करण। अगर लाना भी है ना, लाना भी तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में दिखा सकता है कोई, या फिर बहुत तमीज से चीजें दिखा सकता है कि हां, मैं तेरे को सच बताऊं, मैं सुन सुन सुन, मैं तेरे को सच बात बताता हूँ, ऐसे लोग जब कोई ऐसा कंटेंट डालते हैं ना उनके नीचे नेगेटिव कमेंट कोई नहीं आता, बट अगर हम लोग डालेंगे ना हमारे नीचे साला नेगेटिव कमेंट ही आएगा, मैं तेरे को लिख के दे देता हूँ। लोगों को ना हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि हम अच्छा कंटेंट डालेंगे, जब हम दूसरा कंटेंट डालते तो एक्सपेक्टेशन गिर जाती है, इसलिए बुरा कमेंट आता है। अब दूसरे लोगों से ना लोग, देखो यार मेरा यूट्यूब से भरोसा उठ चुका है क्योंकि वहाँ पर चलता है क्लिक बेट कॉन्टेंट ओनली, तो मेरा उस चीज़ से भरोसा उठ चुका है, बट स्टिल जो अच्छी ऑडियंस है अपनी उनके लिए बनाते रहेंगे अच्छा अच्छा कॉन्टेंट। 100 के हो गए लौंडे के, तो इसको कॉन्ग्रेचुलेशन, इंक्रीज हुई थी दादा, ये देखा एक बारी मेन सिस्टम पे, तो भाई 20 BHP आराम से हो गई है पावर इसकी, 20 पहले 17 थी, पहले 18 थी, 18.5, जा एक बार चला के तो देख क्या, हाँ जाना खींच के आना तू, हाँ तो ब्लॉग बना ना तू यार, ये भाई कितनी मस्त लग रही है, अब इसको बेचने का मन नहीं हो रहा मेरा, मेरी चला के देखो ऐसा पावर आपको फील आएगा ना जब से थ्रॉटल बॉडी। मैं 390 नहीं चलाता, और इसका चक्कर ये है मेरे काबू के बाहर की मशीन है वो, एक बारी चला के अब एक बारी टेस्ट चलाऊंगा चलाऊंगा थोड़ी देर में, अभी रुक जा बाइक में रिव्यू हो, आपकी बाइक अभी प्रॉपरली देखूंगा मैं, रुक जाओ थोड़ी देर, आज शाम तक थोड़ी कहीं जा रहे हो, चलो यार नहाते हैं चिनाब चलते हैं, ओए उधर जाने गुड़ा तलाव था नहाने जी है, इतने नहाने की जगह नहीं कुछ, मैं तो जा रहा हूँ ड्यूटी जाना ना 6 बजे। यार दमकल कर्मचारी हो हमारे साथ रहो आप, आग बुझाओ नाम इंडिया वाला नाम बड़ा अजीब लगता है दमकल कर्मचारी, कितना सही नाम है यार
और ये है वो मशीन गाइस जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो ब्लैक कलर है इसलिए हार्ड टू मेंटेन है, बाकी बाइक एकदम परफेक्ट लग रही है। तो इसे मैं अभी दिखाता हूँ, बट पहले हमें प्यास लगी है। तो यू नो ये हमारा फेवरेट प्लेस है टू व्लॉग या वीडियो शीडियो शूट करना हो, खुली जगह चाहिए हो। तो ये बेसिकली एक मंडी है जो एकदम तबाह हुई पड़ी है, यहाँ पर पता नहीं काम वगैरह शुरू नहीं हुआ। और इसी के साथ में हमारा ट्यूबवेल, जिसको हमारे लौंडे बड़ी तारीफ कर रहे थे कि यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है। मैं क्या कहता हूँ, ट्यूबवेल छोड़ो, इधर ही नहा लो, ठंडा पानी, पानी तो ठंडा है, फिर बढ़िया। मुझे आज तक समझ नहीं आया इसके अंदर क्या होता होगा, अंडरग्राउंड होता है। क्या होती है? करण की अभी सुपर बाइक का डिस्कशन करना है, पता नहीं कौन सी बाइक लेता है ये। तो यार बेसिकली मैं पूरा आराम से बैठा हुआ था, बट स्टिल इन्होंने क्या कर दिया कि बाइक एकदम प्रॉपरली लाइनअप्स में लगा दी, जिसके बाद मेरे से बैठा नहीं गया। यार मेरी मर्जी हुई कि मैं उठ के यहाँ पर आऊँ, तो भाई देखो यहाँ पर है हमारी पांचों की पांचों छवियाँ हैं, नॉट छवियाँ यार, एक बार जस्ट हैव अ लुक एट दिस, कितनी अमेजिंग लगती हैं यार, कितनी ऑसम लगती हैं। तो देखो बेसिकली यहाँ पर ये पांचों बाइक्स हैं और दीज आर द फाइव ऑफ द बेस्ट बाइक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँगा ऐसा मुझे लगता है, बाकी तुम लोगों को क्या लगता है वो तुम्हारा ओपिनियन है। बट यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास RC 200 जो कि आयुष भैया के साथ, आयुष भैया को बिलोंग करती है। एंड ये बाइक भी तभी मॉड हुई थी जब हमने अपनी स्कार मॉड की थी फ्रॉम डिटेलिंग गैरेज। और जस्ट हैव अ लुक एट दिस पेंट मैन। अब ब्लैक कलर है मेरे पास भी, अपनी R15 V3 है, तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों आयुष भाई, पास तो आ जाओ, पास तो आ जाओ, अच्छा आ जा अभी बाद में रोते हैं तेरे साथ, रुक जा। तो बेसिकली ये जो कलर है ना ब्लैक, इसे मेंटेन करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसा क्यों है? ताकी मारनी पड़ती है, हवा हवा चल जाए, धूल उठती है, एकदम चिपक जाती है इसके ऊपर। कोई रास्ता साफ करके बिल्कुल रास्ते पे चल रहे हो, धूल आ गया, कच्चे रोड लगे। भाई देखो मेरा घर अभी रोड के आसपास भी नहीं है, बट स्टिल जितनी मिट्टी होती है ना वो काले रंग पे तुम्हें साफ विजिबल होती है। तो ये पंगा है। बाकी भैया ने यहाँ पर देखो ये इंडिकेटर्स बड़ी अलग सी जगह पे लगा रखे हैं। एक बात तो है कि भैया ने पूरी बाइक मिनिमल रखी है, और यू नो मिनिमल चीज़ें देख के तो प्यार ही हो जाता है। भैया लाइट चलती है इसके आगे, हेडलाइट दिखती कैसे है, स्मोक्ड है या क्या चक्कर है? खाली रेड कलर का दिखेगा, बाकी नीचे एक ही चीज है। ओके अच्छा वो नीचे आपने ठीक है। नीचे भैया ने दूसरी लाइट मेन लगा रखी है, जो आपकी हेडलाइट है वो प्रॉपरली बंद हो चुकी है। तो भैया को मैं एक सजेशन दूंगा इनकी बाइक के रिगार्डिंग कि ये निकाल दो, इंडिकेटर निकाल दो, घटिया लग रहे हैं, कहीं और लगाते हैं सोचते हैं, बट यहाँ पर बकवास लग रहे हैं ये, ठीक है। तो ये है भैया हमारी RC 200 जो कि जिसपे इस पर 390 का एग्जॉस्ट भी लग रखा है, जो कि बहुत सही साउंड देता है। और इसको बीस्ट लुक देने के लिए पीछे हमारे पास है अपोलो अल्फा H1। तो ये हो गई भाई हमारी RC 200 की बात। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो बाइक है गाइज, इसको कहते हैं पैनिकाले 959 और ये बेसिकली बिलोंग करता है हमारे जेरी भैया को। तो दिस वन इज़ RR 310 जो कि यू नो TVS की पहली स्पोर्ट्स बाइक है, और ऑब्वियसली ये कलेबरेशन में थी BMW के साथ, तो आपको पता है ये रिजल्ट तो कमाल का होना ही था। बस एक छोटी सी कमी है कि ये बाइक में वाइब्रेशंस हैं, उसके अलावा इस बाइक में कोई कमी नहीं है। लाइक परफेक्ट बाइक है, आप टूरिंग के पर्पज़ के लिए ले लो, आप स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए ले लो, कॉर्नरिंग के पर्पज़ के लिए ले लो, किसी भी तरीके का पर्पज़ हो, ये बाइक आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने वाली है। हालांकि इसमें फिलहाल मॉड्स ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट जेरी भाई कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको फुल्ली मॉडिफाई कर देंगे। एंड ये जो इसके ऊपर टायर लग रखे हैं Road 5 Michelin के, ये भाई अलग ही लेवल के टायर्स हैं, मैं क्या ही बताऊँ, लाइक बहुत तगड़ी ग्रिप है। उसके बाद है गाइस हमारी स्कार जो फिलहाल इन सारी बाइक्स में सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड है, आई थिंक सो, मे बी करण की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट जो भी है हमारे ग्रुप की सबसे दो जो सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड बाइक्स हैं वो करण की और मेरी होंगी, देन आयुष भी है कि एंड देन बाकी दो। और ऑब्वियसली हम दोनों ने कलर में काफ़ी छेड़छाड़ कराई हैं, उसके बाद हमने एक्सेसरीज़ भर भर के टन्स ऑफ एक्सेसरीज़ लगा दी हुई हैं। अभी हालांकि इसमें और भी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो वो भी बड़ी जल्दी कर देंगे। देन भैया हमारे पास आती है ये करण की बाइक, इसमें क्या क्या लगा मुझे नहीं पता, बट जो सामने चीज़ें दिख रही हैं आप देख लो, ये छोटे वाले HJC के फॉग लैंप्स लग रखे हैं, देन लीवर गार्ड्स लग रखे हैं, देन ये छोटे वाले मिरर्स मुझे अपनी बाइक में लगाने चाहिए कि नहीं, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना, अगर कहोगे तो पक्का लगा देंगे। एंड देन हमारे प्रेम भैया की बाइक है, दिस इज़ BS4 Duke 390, और इसमें देखो आप ऑस्टिन रेसिंग का छोटा वाला कैन लग रखा है, दिस इज़ अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, और अंदर से पूरा काला हो चुका है, यू नो हाफ बर्न फ्यूल, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। और यहाँ पर एक छोटी सी भैया ने लाइन रखवा रखी है, Why so fucking serious? तो भैया ने बड़ा सही ये करा रखा है, ये कलर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, नियॉन कलर है। तो गाइज़ यही है हमारी पांच
यू नो सबसे बेस्ट बाइक्स इन जे एंड के, आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट है कि नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ केरला के साथ कंपेयर मत करना फिलहाल के लिए। देखो केरला में ना तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तुम मॉड कहीं भी कराने जाओगे तुम्हें झट से चीज़ें मिल जाएंगी, बट हमारे जम्मू वगैरह में इतना पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल हमने जिस लेवल का कर दिया ना मॉड, मुझे पता है, हमें पता है कि हमने कितना कष्ट लगा है, कितनी मेहनत लगी है इस लेवल पे बाइक्स को पहुंचाने के लिए। तो प्लीज़ जज मत करना कि यार ये है वो है, प्लीज़ आप एक बार हमारी मेहनत देखो। ये प्रॉपरली हमने लाइक होता ना स्क्रैप से स्टार्ट किया, जहाँ पर कुछ भी नहीं था वहाँ से अपना दिमाग लगा के चीज़ें सोर्स करके देन आज इस लेवल पे पहुँचे। तो देखो भाई आज तो मज़ा आ गया, मतलब बहुत दिनों बाद मिले और तुम्हें भी सारी बाइक्स दिखा दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इन सबको कहते हैं अलविदा, तो मिलते हैं अगली बार। जेरी जो हमने प्लान बनाया याद रखना, अगली बार राइड प्लस कैंपिंग दोनों साथ में होने वाली है। तो भाई इन सबको भी सब्सक्राइब कर लेना, ये भी है अपने आयुष, इनको जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। जेरी भाई को जल्दी से प्ले बटन तक पहुंचा दो। और पीछे हमारे प्रेम भैया, उनका भी मैंने चैनल देखा नहीं है बट जल्दी देखेंगे, एंड वो है वेनमिया। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से अगले से वीडियो में। तो तब तक के लिए दूसरे वीडियो देख लो मेरे आप। चलोगे? आ जाओ रेस। नहीं बस बस। अरे